हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, एंड दिस इज उदय एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल विच इज डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन टू डिवोटेड क्लासेस। भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ, जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पिछली बार हमने देखा था पर्सन चार्ट, अच्छे से हमने समझाया, जो बहुत काम का है उसे आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। आने वाले चैप्टर में आपकी वो काफ़ी सहायता करेगा। उसी क्रम में चल रहे काइंड्स में, हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन का काइंड समझाया, उसके अंतर्गत पर्सन चार्ट आया। अब यहाँ पर हम दूसरा काइंड ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फाइन, अगर इसका हिंदी में शब्द लेना है, शब्दार्थ लेना है, तो स्वयं सूचक सर्वनाम कह सकते हैं इसको। स्वयं सूचक सर्वनाम, खुद को जो बोध कराए। फाइन, और इसकी जो परिभाषा समझा दें आपको। ओके, सेल्फ प्रोनाउन जो मैंने पीछे बताया था, सेल्फ प्रोनाउन लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, व्हेन सेल्फ प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द verb in the sentence and it means means in Hindi in हिंदी स्वयं से, खुद से, अपने आप से, स्वयं से, खुद से, अपने आप से, इट इज कॉल्ड is called reflexive pronoun. Example, Ramesh loves it. Second, I teach myself. Third, you help yourself. So, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, परिभाषा हमने लिख दिया, क्या कहते हैं परिभाषा, यहाँ पर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पर देखें आप परिभाषा हमने इंग्लिश में लिखी है, व्हेन सेल्फ प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट
of a verb in the sentence and it means in Hindi स्वयं से खुद से अपने आप से it is called self reflexive pronoun. जब self pronoun यानी कि myself, himself, herself समझाने पीछे जस्ट समझाया था myself, herself, yourself, yourself, themselves ये सारे जो words हैं अगर किसी sentence में आए हों और वो sentence में आकर के verb का object बन जाए और साथ में इसका अर्थ जब हिंदी में हम करें तो स्वयं से हो अपने आप से खुद को अपने आप को हो खुद से अपने आप से स्वयं से आदि अर्थ हो तो समझना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बार फिर से सुने, जब सेल्फ प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आता है और वो सेंटेंस में आकर के सेंटेंस में आई हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है और साथ में जब हिंदी में इसका हम अर्थ करते हैं तो स्वयं से अपने आप से खुद को अपने आप को स्वयं को आदि अर्थ निकलता है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फाइन, ओके, देखें आप एग्जांपल, राम रमेश लव्स हिमसेल्फ, अर्थ करिए हिंदी में रमेश खुद से प्रेम करता है या रमेश खुद को प्रेम करता है या रमेश स्वयं को प्रेम करता है या रमेश अपने आप को प्रेम करता है। फाइन, इसका अर्थ क्या लग रहा है? ये लगा ना, और साथ में ये हिमसेल्फ यहां पर ऑब्जेक्ट भी है, किसका? लव का। फाइन, लव का ऑब्जेक्ट है, लव वर्ब है। अब कहोगे कैसे ऑब्जेक्ट है सर, हमने तो आज तक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं, आपने आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अरे साहब ऑब्जेक्ट है ये, ओके, कैसे? हमने बताया था अभी पहचानने के लिए क्या या किसको द्वारा प्रश्न करो, क्या या किसको द्वारा प्रश्न करो, उत्तर में यदि कोई वर्ड प्राप्त होता है तो ऑब्जेक्ट होगा। प्रश्न करो किसको प्रेम करता, लव्स किसको, लव्स किसको प्रेम करता है, हुम डज रमेश लव, प्रश्न करें इंग्लिश में हुम से या हिंदी में किसको से या किसे से, हुम डज रमेश लव हिमसेल्फ, ओके, हिंदी में करेंगे किससे प्रेम करता है, हिमसेल्फ यानी खुद से। फाइन, उत्तर मिला यानी हिमसेल्फ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड देखिए, आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ा, किसको पढ़ाता हूँ, खुद को पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, खुद को पढ़ाता हूँ। समझ आ रहा है कहानी का मतलब, यहाँ माई सेल्फ वर्ड जो है वो टीच वर्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। फाइन, इसी प्रकार से यू हेल्प यू सेल्फ, तुम अपनी मदद खुद करते हो, यू हेल्प योर सेल्फ, तुम अपनी मदद करते हो, खुद करते हो मदद, तो किसको मदद करते हो, अपने आप की मदद करते हो। फाइन, कहानी मतलब ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं और साथ में ये जो है अर्थ हिंदी में करने पर स्वयं से अपने आप से या खुद से इनका अर्थ आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेरी इजी, ओके, इट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, हमें विश्वास है ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने कहना क्या, सुकार देरी किस बात का, नोट कर लिए होंगे ना, नहीं नोट कर सकते हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फाइन, नोट कर लिए होंगे आप, यू आर वेरी स्मार्ट एंड फास्ट स्टूडेंट्स, फास्ट लर्नर, आई अप्रिशिएट यू, वेलकम बैक। ये है आपका कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम तीसरा, थर्ड वन इज एम्फैटिक, तीसरा क्या है, एम्फैटिक, ई एम पी एच ए, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये तीसरे नंबर पर है। परिभाषा हम पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे, ओके, या पहले समझ ही लीजिए, लिखना जरूरी, अगर समझे तो सारी समझ लो, ऐसे लिख रहे हैं हम बाद में क्या होता है। वही जो सेल्फ प्रोनाउन की बात हमने किया था, जब सेल्फ प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आया हो और सेंटेंस में आकर के केवल और केवल या तो वर्ब पर या सब्जेक्ट पर वो जोर डालता हो, क्या करता हो, जोर डालता हो, बल देता हो, वो अभी काम नहीं करता हो,
बल्कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कोई अन्य वर्ड यूज होता है, इसे कहते हैं सिंपली इम्फेटिक प्रोनाउन। और साथ में जब इसका अर्थ हम हिंदी में करते हैं तो खुद से स्वयं से अपने आप से इनका अर्थ नहीं होता, केवल स्वयं होगा या खुद होगा या अपने आप होगा, उसमें स्वयं अपने आप खुद आदि अर्थ होगा, खुद को स्वयं को अपने आप को खुद से अपने आप से ऐसा कुछ इसका अर्थ नहीं होगा। चलिए लिखिए परिभाषा। When self pronoun comes in a sentence and simply lays emphasis on the subject or the verb it is called emphatic pronoun. It does not do the work of object of the verb. It only lays force on the verb or subject and it means in Hindi स्वयं खुद अपने आप स्वयं खुद अपने आप। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं, आप अपने साथ बोल भी सकते हैं। When self pronoun comes in a sentence and simply lays emphasis on the subject or the verb, it is called emphatic pronoun. It does not do the work of object of the verb. It only lays force on the verb or subject. And it means in Hindi स्वयं खुद अपने आप। यहां पर ये इसका अर्थ हिंदी में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। माई मदर cooks food herself. Second, I myself wash my clothes. यहां पर हमने दो एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखिए। पहला, माई मदर कुक्स फूड हरसेल्फ, मेरी माँ खाना खुद पकाती है, या मेरी माँ खाना स्वयं पकाती है। फाइन। दूसरा वर्ड, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैं खुद
कपड़े साफ करता हूँ। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ, मैं खुद अपने कपड़े साफ करता हूँ, खुद साफ करता, ये नहीं खुद को साफ करता हूँ। फाइन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, माई मदर कुक्स फूड हर्सेल्फ, मेरी माँ खाना खुद पकाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुक्स फूड, फूड वर्ड ऑब्जेक्ट पहले से आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ माई क्लोथ, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट अलग से आया हुआ है। कहने वाले इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले से लिखे हर्सेल्फ और यहाँ पर माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आई माई सेल्फ वॉस, मैं खुद, यानी खुद जो वर्ड है आई पर जोर डाल रहा है, जो कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका कोई रोल नहीं, केवल और केवल इम्पेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है, बल दे रहा है कहाँ पर, आई यानी सब्जेक्ट पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कह नहीं सकती, ऑब्जेक्ट काम ही कर नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर पहले से वर्ड आया माई क्लोथ्स, फाइन। इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ क्या काम कर रहा है, केवल सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। अब दूसरा देखिए, माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना खुद पकाती, मेरी माँ खाना खुद पकाती, खुद पकाती, हम मान लो कि वर्ब पे फोकस कर रहे हैं, खुद पकाती, खुद पकाती, पकाती है खुद, मतलब ये खुद जो वर्ड है, पकाना जो वर्ब है, इस पर फोकस कर रहा है, यानी उस पर बल दे रहा है। फाइन, चाहे तो इसको अगर हर सेल्फ को यहां कर देते माई मदर हर सेल्फ कुक्स फूड, तो हर सेल्फ यहां सब्जेक्ट पर जोड़ देता और इसका रोल नहीं है, ऑब्जेक्ट पर, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां पहले से आया हुआ फूड, कहने का मतलब ये हुआ ये दोनों वर्ड यहां पर हर सेल्फ और माई सेल्फ दोनों केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो जोर देने का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट काम यहां पर नहीं कर रहे, साथ में इसका अर्थ केवल स्वयं या खुद या अपने आप हो रहा है, खुद को, अपने आप को, या स्वयं को, या स्वयं से, अपने आप से, या खुद से, इसका अर्थ नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये दोनों के दोनों वर्ड्स सेल्फ प्रोनाउन जो है यहाँ कर लेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। फाइन, ओके, समझ गए होंगे, यहाँ पर ये केवल फोकस करने का, जोर देने का काम कर रहे हैं। इसका हिंदी जब अर्थ इस वर्ड करेंगे, इम्फैटिक माने बलदायक, यानी जोरदायक, केवल जोर देने के लिए आए हैं और इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, और साथ में इसका विस्तार जो किया है इसको ध्यान में रखिए। फाइन, अगर आप समापन करना चाहते हैं उसका, साथ में एक साथ दोनों बात लेना चाहते हो, तो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, जो सेल्फ प्रोनाउन हुआ करते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे के सारे वर्ड एज ए होल सेल्फ प्रोनाउन कहलाते हैं। यही सेल्फ प्रोनाउन कभी कभी हो जाते हैं इम्फैटिक और कभी कभी हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव। आप पढ़िएगा, एक बहुत अच्छी फेमस बुक है जिसका नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय आरपी सिन्हा। जितने कंपटीशन वाले बच्चे हैं जब इसको कंसल्ट करते हैं, जरूर पढ़ते हैं, उनमें इस तरह से अलग अलग उन्होंने समझाया है, एक साथ में दोनों लेके समझाया हुआ है, इसी तरह समझाया है, कभी जो सेल्फ प्रोनाउन है वही जो है कभी कभी बन जाता है इम्फैटिक और कभी कभी होता है रिफ्लेक्सिव। फाइन, तो क्या होता है, इसका विस्तार ऐसे कर सकते हैं, जब सेल्फ प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट, वाक्य में आई ही वर्ब का ऑब्जेक्ट बने, अपने काम करे, और जो है वो अर्थ हिंदी में उसका करे, तो खुद से, अपने आप से, स्वयं से हो, तो समझिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं खुद को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, काम किया। फाइन, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब वही सेल्फ प्रोनाउन सेंटेंस में आए और वो वर्ब का वर्ब पर या सब्जेक्ट पर केवल जोर देने का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम न करे, ऑब्जेक्ट के लिए कोई अन्य वर्ड आया हुआ हो, उस समय वही सेल्फ प्रोनाउन में जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। हाँ, हिंदी में इसका अर्थ करेंगे तो कहीं उसका अर्थ हुआ केवल स्वयं, अपने आप, खुद, इनका अर्थ खुद से, स्वयं से, अपने आप से, खुद को, अपने आप को, स्वयं को, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। और अगर हम ऐसा कुछ कभी गलती कर गए तो अर्थ का अर्थ भी हो जाता है, जैसे माय मदर कुक्स फूड हरसेल्फ, मेरी माँ खाना खुद पकाती है, मेरी माँ खाना खुद पकाती है, अगर यहाँ पर हरसेल्फ ना लगाएं, अगर यहाँ पर फूड ना लगाएं तो अनर्थ हो सकता है, कैसे, माय मदर कुक्स हरसेल्फ, अगर हम फूड ना लगाएं, मान लीजिए यहाँ पर है माय मदर कुक्स, यहाँ पर फूड लगा दीजिए, क्या मिलेगा, मदर कुक्स हरसेल्फ, मेरी माँ खुद को पकाती, खुद को पकाएगी, अनर्थ हो गया, यहाँ फूड लगाना जरूरी है,
ऐसे ही माई आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, अगर हमारे क्लोथ्स ना होता तो आई माई सेल्फ वॉश, मैं खुद को वॉश करता हूँ, मैं खुद को धोता हूँ। फाइन, कुल मिला के कभी कभी ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि हम सही यूज ना करें, सही यूज इंपरेटिव प्रोनाउन का ना करें तो कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सो ये था दोनों में अंतर। क्या अंतर था? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसका अर्थ में स्वयं को, खुद को, अपने आप को होगा, जबकि इंफेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा? केवल और केवल वाक्य में आई हुई वर्ब या सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, बल देगा, जोर देगा, और अर्थ हिंदी में करने पर केवल स्वयं खुद अपने आप हुआ करता है और इसका कोई रोल इसमें नहीं होता। यही दोनों में अंतर है। सो आई थिंक वीडियो कुछ लंबी हो गई होगी, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप दैट आप जो हमने पढ़ाया इसे अच्छे से समझे होंगे और इसको अच्छे से लर्न करें और प्रैक्टिस करें। अधिक से अधिक जो आपके कोई भी बुक हो उसका ध्यान रखते हुए उसमें से प्रैक्टिस दिए होंगे उस पर एक्सरसाइज करें। ये बहुत काम का चैप्टर है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आने वाले कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर वीडियो। टिल आई मेक अनदर वीडियो, you keep on laughing, smiling and just practicing more and more sentences based on this video. Now, bye bye, see you, take care.